हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनंदन है। अब बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था प्यारे दोस्त। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों, वो पढ़ने जा रहे हैं चौहान वंश। चौहान वंश, चौहान वंश का वंश पढ़ने ला जा रहे हैं। अभी चौहान वंश के बारे में जिक्र करें, कहा जाता है चौहान वंश की, जो सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ें, के बारे में पढ़ेंगे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। और चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है प्यारे दोस्तों, क्या कंडीशन चौहानों की जो उत्पत्ति मानी जाती है कि जो चंद्रबरदाई है, कौन चंद्रबरदाई के अनुसार कहा जाता है, चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासु। चंद्रबरदाई के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है पृथ्वीराज रासो, और इस पृथ्वीराज रासो में यह जानकारी मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। इसमें बताता है चंद्रबरदाई, बताता है पृथ्वीराज रासो में किसके द्वारा, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई द्वारा इसकी रचना मानी जाती है प्यारे दोस्तों। वो रचना कौन सी है, वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सी, पृथ्वी राज रासु। इस पृथ्वीराज रासु से हमें जानकारी मिलती है कि जो चौहान है इनकी उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से हुई। किससे हुई, अग्निकुंड से हुई। अग्निकुंड से कैसे हुई, अग्निकुंड से कैसे हुई भाई, यहां पर कहा जाता है कि एक स्थान पड़ता है अपने राजस्थान में माउंट आबू। कौन सा, आबू या माउंट आबू। और इस आबू पे एक पर्वत है प्यारे दोस्तों, आबू पर्वत पर एक ऋषि रहा करते थे जिसका नाम था वशिष्ठ। कौन था, वशिष्ठ ऋषि रहा करते थे। कौन से ऋषि रहा करते थे, वशिष्ठ ऋषि रहा करते थे। इन ऋषि का नाम क्या था, वशिष्ठ ऋषि रहा करते थे। इन वशिष्ठ ऋषि की बात करें तो प्यारे साथियों, इन वशिष्ठ ऋषि ने यहां पर कहा जाता है कि ये यहां पर तपस्या करा करते, और तपस्या करने के पश्चात कहा जाता है, या फिर इनकी तपस्या के दौरान ही कुछ यहाँ पर राक्षस प्रवृत्ति के लोग या कुछ उटपटांग लोग या लूट उचक के आते थे और इनकी तपस्या को कई बार भंग कर दिए थे। क्या कर देते थे भाई, तपस्या को भंग कर देते थे। इस प्रकार से कई प्रकार बार इन्होंने इस तपस्या को भंग किया पाया। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों का कि जब इस तपस्या को भंग कर देने के पश्चात इनको बड़ा दुख होता था, और बड़ा दुख होने के कारण कहा जाता है इन्होंने एक बार सोचा कि इनका उपाय किया जाए, कि जितने भी डाकू लुटेरे आते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते हैं, इनका उपाय करने के लिए प्यारे दोस्तों क्या किया इन्होंने, एक हवन किया। क्या किया भाई, एक हवन किया। और हवन कहां पर किया भाई, इस पर्वत पर किया। इस पर्वत पर एक हवन वेदिका लगाई, और हवन वेदिका लगाने के पश्चात यहां पर क्या, हवन प्रज्वलित किया। और यहां पर देखिए ये गुरु वशिष्ठ बैठ गए। कौन बैठ गए भाई, गुरु वशिष्ठ बैठ गए। और गुरु वशिष्ठ ये दाढ़ी बड़ी बड़ी, और यहाँ पर कहा जाता है इनके द्वारा ये आहुतियां दी जा रही है, इनके हाथ में ये चमचा है। इस तरीके से गुरु वशिष्ठ के द्वारा क्या किया जाता है, हवन किया जाता है। हवन करने के पश्चात प्यारे दोस्तों इन इस हवन कुंड से ये चार व्यक्तियों की उत्पत्ति करते हैं। कितने व्यक्तियों की, चार व्यक्तियों की उत्पत्ति करते हैं। कितने व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई, चार व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है यहाँ हवन कुंड से। कितने व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है भाई, चार व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है। इन चार व्यक्तियों की उत्पत्ति के बारे में जिक्र करें तो देखिएगा क्या कंडीशन होता है। एक तो चहमान, कौन चहमान, दूसरा चालुक्य, चालुक्य उसके बाद चहमान या चालुक्य, उसके बाद कहा जाता है परमार। कौन परमार, ये जो है इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और एक और प्रतिहार, प्रतिहार ये चार व्यक्ति उत्पन्न किए जाते हैं, चहमान चालुक्य चौहान, चौहमान चालुक्य परमार और प्रतिहार। इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा की जाती है, गुरु वशिष्ठ के द्वारा। कहाँ पर, इस माउंट आबू पर्वत पे की जाती है। और माउंट आबू पर्वत पर करने के पश्चात कहा जाता है इन्हें चहमान यानी कि चौहान, इनको क्या कहा गया आगे चलकर। और चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलंकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इनके द्वारा इस
उत्पत्ति की गई और इसकी उत्पत्ति करने के पश्चात क्या है कि इसके अग्नि कुंड का सुरक्षा हो सकी प्यारे दोस्तों, अर्थात अग्नि कुंड की सुरक्षा करने में ये सक्षम हो सके। और कहा जाता है इन लोगों के द्वारा उन राक्षसों से किसकी सुरक्षा की गई भाई, अग्नि कुंड की सुरक्षा की गई। और कहा जाता है ये अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, अग्नि कुंड का सिद्धांत कहा जाता है, जिससे चार व्यक्ति उत्पन्न हुए जिसमें चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये चार जातियां पैदा होती है, यानी कि चार वंश व्यक्ति उत्पन्न किए जाते हैं। और इन्हीं के नाम पर कहा जाता है इस वंश का नाम चौहान रखा गया। क्या रखा गया भाई, चौहान रखा गया। और इसका समर्थन करने वाले कहा जाता है कि मुनोत नेणसी के द्वारा इसका समर्थन किया जाता है, और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा भी इस मत का समर्थन किया जाता है। तो आगे चलते हैं, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्र बरदाई के पृथ्वी राज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, अग्निकुंड से मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें, इस मत का समर्थन सूर्य मल मिश्रण के द्वारा इस मत का समर्थन किया जाता है। और इसके साथ ही कौन करते भाई, इसके द्वारा और एको नाम ले तो मुहणोत नेणसी ही इस मत का समर्थन करते हैं। इस मत का समर्थन सूर्यमल मिश्रण व मुनोत नेणसी करते हैं। ठीक है, तो अर्थात ये मानने वाले, अर्थात बात करें प्यारे साथियों, तो मुनोत नेणसी और सूर्यमल मिश्रण इस बात को मानने वाले माने जाते हैं कि वास्तव में इनकी चौहानों की उत्पत्ति, या बात करें तो कहां से होती है, अग्निकुंड की अवधारणा से या अग्निकुंड के सिद्धांत से इनकी उत्पत्ति होती है। इसकी बात करें अग्निकुंड का सिद्धांत ठीक है। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है वो मैंने समझा दिया आपको, ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया। इस यज्ञ से चार व्यक्तियों की उत्पत्ति की। चार कौन कौन से प्यारे दोस्तों, पहला चहमान, या इसको क्या कहते हैं, चौहान। उसके बाद दूसरा
चालुक्य या इसको ही क्या कहते हैं सोलंकी, इसके बाद परमार, उसके बाद प्रतिहार, ये चार व्यक्तियों की उत्पत्ति की। ठीक है, चार व्यक्तियों की उत्पत्ति की, और इसे क्या माना जाता है, इस मत का समर्थन करने वाले हमने लिख लिया है। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने ये पूरा का पूरा इसका चंद्रबरदाई का सिद्धांत देखने को मिलता है, या अग्निकुंड का सिद्धांत, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ जाएगा प्यारे साथियों, कहा जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से अग्निकुंड का सिद्धांत इसी को कहते हैं, और इसे क्या मानते हैं, वास्तव में मानते भी है, और इसका समर्थन करने वाले सूर्यमल मिश्रा और मुनेत्रनेन्सिस इसका समर्थन करते हैं। चलिए बात करते सूर्यवंशी मानने वाले गौरीशंकर हीरावचंद ओझा, दूसरी बात करें, दूसरे नंबर का जो बात करें सूर्यवंशी, क्या चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानते हैं, सूर्यवंशी मानने वाले, सूर्यवंशी मानते हैं गौरीशंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, क्या मानते हैं इन्हें, सूर्यवंशी मानते हैं और श्री रामचंद्र के वंशज कहते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र हुए थे आपके, और श्री रामचंद्र जी यानी कि श्री राम भगवान हुए थे, वो सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी होने के पश्चात कहा जाता है कि उन्हीं के वंशज में आगे चलकर चौहानों की उत्पत्ति हुई, और आगे चलकर चौहान उत्पन्न हुए तो कहा जाता है कि उनके वंशज माने जाते हैं श्री राम के। इस कारण सूर्यवंशी मानने वाले कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं, इनको मानते हैं भाई चौहानों को। उसके पश्चात बात करें चंद्रवंशी, चंद्रवंशी के बारे में बात करता है, चंद्रवंशी हांसी अभिलेख के अनुसार इन्हें चंद्रवंशी माना गया है, इसके अनुसार हांसी चंद्रवंशी, चंद्रवंशी, और चंद्रवंशी कहां पर माना गया है, हांसी अभिलेख, कहां पर, हांसी अभिलेख, और हांसी अभिलेख कहां पर मिला है भाई, हांसी अभिलेख, अभिलेख, हांसी अभिलेख कहां पर मिला है, हरियाणा, हांसी अभिलेख हरियाणा के अनुसार इन्हें क्या माना गया है, चंद्रवंशी माना गया है, किसको, चौहानों को, चौहानों को चंद्रवंशी माना है, चौहान की उत्पत्ति चौहानों को चंद्रवंशी, चंद्र वंशी माना है। ठीक है, क्या माना है भाई, चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है हांसी अभिलेख के अनुसार, इसके अनुसार भाई हांसी अभिलेख के अनुसार इन्हें चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करें तो कहा जाता है कि यहां पर विदेशी, विदेशी भी जानकारी मिलती है, और विदेशी कौन बताता है, विलियम क्रुक और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि यह विदेशी, विदेशों की संतान माने जानते हैं, कौन प्यारे दोस्तों, विदेशी, देखिएगा विदेशी कौन बताता है इन्हें, इन्हें विदेशी की बात करें कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड व विलियम क्रुक, विलियम क्रुक, विलियम क्रुक इन्हें क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं, किनको बताते हैं प्यारे दोस्तों, चौहानों को विदेशी बताते हैं, कौन, विलियम क्रुक कहते हैं कि ये तो विदेशी जातियों से उत्पन्न हुई है, सक्सीटियंस जो जातियां हुआ करती थी उनसे उत्पन्न हुए हैं, और उनसे उत्पन्न होने के कारण क्या बताते हैं, ये इन्हें विदेशी बताते हैं। ये याद रह जाएगा प्यारे दोस्तों, ब्राह्मण, और बात करें ब्राह्मणों के संतान, इनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण भी माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, ब्राह्मण माने गए, ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की संतान कौन मानते हैं प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि दशरथ शर्मा, कौन मानते हैं, दशरथ, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये तो सारे मत गलत है, और ये मानते हैं कि ये तो ब्राह्मणों के संतान हैं और ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं, और इसी के कहा जाता है इनके द्वारा द अर्ली
द अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक लिखी गई उसमें इसका उल्लेख किया है। ठीक है, दशरथ शर्मा की पुस्तक है, की रचना है, इनकी रचना कौन सी प्यारे दोस्तों, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी और इसमें क्या कहा गया है, इन्हें क्या कहा गया है भाई, ठीक है प्यारा दोस्तों, इन्हें द अर्ली चौहान डायनेस्टी में क्या कहा गया है, इन्हें ब्राह्मण कहा गया, क्या कहा गया, विप्र वंशीय वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, क्या कहा गया, विप्र वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, क्या, विप्र वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, क्या कहा गया है, विप्रवंशी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है दशरथ शर्मा के अनुसार। और दशरथ शर्मा की जो पुस्तक है प्यारे दोस्तों, कौन सी पुस्तक है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसमें हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भी इन्हें ब्राह्मण कहा गया है, किसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख लेख के अनुसार भी इन्हें क्या कहा गया, ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख में भी क्या कहा गया है, इन्हें ब्राह्मण कहा गया है। थोड़ा सा जिक्र करेंगे बिजोलिया शिलालेख का, किसकी बात करें, बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया शिलालेख कहां से प्राप्त हुए भी, ये बिजोलिया भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, कहां से भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि 1170 में ये प्राप्त किया है, कहां, कब प्राप्त किया गया, 1170 का शिलालेख माना जाता है, ये कब का माना जाता है, 1170 ईस्वी का शिलालेख माना जाता है, कौन सा, बिजोलिया शिलालेख, जो भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। और भीलवाड़ा से प्राप्त होने के पश्चात कहा जाता है कि इस यह बिजोलिया शिलालेख कहां पर, पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है, कहां पर लगा हुआ है बिजोलिया शिलालेख, कहां पर लगा हुआ है, ये कहां पर लगा हुआ है भाई, बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई, पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है, कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। अब यहां से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है प्यारे दोस्तों, कहा जाता है इसे गोविंद जी ने लिखवाया था, किसने लिखवाया था, गोविंद ने लिखवाया, तथा कहा जाता है कि ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी इसकी जानकारी मिलती है। इस शिलालेख को किसके द्वारा, गोविंद ने इस शिलालेख को लिखवाया, ठीक है, गोविंद जी ने इस शिलालेख को लिखवाया। और इस शिलालेख को लिखवाने के पश्चात प्यारे दोस्तों, क्या जानकारी हमें मिलती है यहाँ से, इस अभिलेख से चौहानों को क्या वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। इस शिलालेख में, अर्थात इस कौन से भीलवाड़ा का जो
कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि चौहानों को क्या कहा गया है, भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके पश्चात बात करें, इसके अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील के निर्माण करवाया। इसके इस शिलालेख के अनुसार, इस शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार चौहान राजा, चौहान राजा वासुदेव, वासुदेव ने, चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील, सांबर झील क्या पैर दोस्तों, सांबर झील का निर्माण करवाया था, निर्माण, निर्माण करवाया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है भी? वैसे कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि ये झील प्राकृतिक है, लेकिन कुछ मानते हैं, कहा जाता है कि इस झील का निर्माण तो वासुदेव चौहान ने करवाया। और ये कहां पर उल्लेखित मिलता है हमें? हमें मिलता है बिजोलिया शिलालेख से, हमें ये जानकारी मिलती है कि ये कृत्रिम झील है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है भाई राजस्थान की, जहां से कहा जाता है कि 8% नमक उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, भारत का 8% नमक उत्पन्न किया जाता है। इस खारे पानी की झील का निर्माण कहा जाता है वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, याद रखना। और हमें इससे क्या जानकारियां मिलती है प्यारे दोस्तों? इस अभिलेख से या इस चौहान वंशी अभिलेख से कहा जाता है राजस्थान के विभिन्न प्राचीन नगरों का नाम उल्लेखित किया गया है। इस अभिलेख में राजस्थान के विभिन्न प्राचीन नगरों का नाम उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में, अभिलेख में राजस्थान, राजस्थान के विभिन्न प्राचीन नगरों, प्राचीन नगरों का नाम उल्लेखित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। जैसे बात करें बिजोलिया का नाम विजया मल्ली मिलता है, बिजोलिया का नाम विजया मल्ली मिलता है। और कहा जाता है, जैसे बात करें सांबर का नाम सपाद लक्ष, सांबर का नाम क्या मिलता है? सपाद लक्ष मिलता है। नागौर का नाम अही छत्रपुर, नागौर का नाम क्या मिलता है भाई? अही छत्रपुर मिलता है। उसके पश्चात बात करें तो ये विशेष रूप से कहा जाता है, तो यहां पर किस कौन से नाम? सबसे पहले बात करें बिजोलिया, बिजोलिया का नाम क्या मिलता है? बिजोलिया, और बिजोलिया का जो नाम मिलता है प्यारे दोस्तों विजयावल्ली, विजयावल्ली इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? विजयावल्ली मिलता है। और जो कहां पर उल्लेखित है? इस शिलालेख में, यानी कि बात करें तो बिजोलिया शिलालेख में। दूसरा नाम मिलता है हमें सांबर का, किसका? सांबर का। और सांबर का नाम मिलता है सपाद लक्ष, कौन सा? सपाद लक्ष, सांबर का नाम क्या मिलता है? सपाद लक्ष। इसके पश्चात बात करें तो नागौर का, किसका प्यार दोस्तों? नागौर। और नागौर का नाम मिलता है अही छत्रपुर, क्या मिलता है? अही छत्र, अही छत्रपुर क्या मिलता है? नागौर का नाम अही छत्रपुर मिलता है हमें, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। और बात करें तो जालौर का एक नाम किसका मिलता है? जालौर का, जालौर। और जालौर का क्या मिलता है? जबालीपुर, क्या मिलता है भाई? जबालीपुर। जालौर का नाम क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बिजोलिया का नाम विजयावल्ली मिलता है, सांबर का सबात लक्ष मिलता है, नागौर का आई छत्रपुर मिलता है, जालौर का जबालीपुर मिलता है। ये कहां पर मिलता है हमें? बिजोलिया शिलालेख में। कहां मिलता है भाई? बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख में, शिला लेख में। कहां पर मिलता है भाई? बिजोलिया शिलालेख में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। मंदिरों के
जाने वाली कहा जाता है भूमि, अनुदान को कहा जाता है डोली कहा जाता है, ये भी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। मंदिरों को जो दान में दी जाती है भूमि उसको डोली कहते हैं, गाँव में भी आज भी डोली के नाम से जानते हैं, या कहते हैं ना डोली निकाल दो, कि भाई डोली आज भी उसका जिक्र मिलता है हमें। तो सबसे पहले हम तो बात करते हैं प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है उत्पत्ति स्थल चौहानों का, जो माना जाता है इनका चौहानों का उत्पत्ति स्थल की बात करें, की बात करें चौहानों का, चौहानों का उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल की बात करें तो कहाँ माना जाता है प्यारे दोस्तों, सपाद लक्ष्य को माना जाता है। किसको? सपाद लक्ष्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? सपाद लक्ष्य की बात करें या सांबर, इसी का वर्तमान नाम क्या है प्यारे दोस्तों? सांबर को माना जाता है। चौहानों का उत्पत्ति स्थल जो माना जाता है सपाद लक्ष्य को माना जाता है, और चौहानों की उत्पत्ति यहीं पर हुई है। कहाँ पर हुई भाई? सांबर में हुई। सांबर में इनका प्रथम राजा या पहला राजा कहा जाता है कि वासुदेव हुआ। क्या? वासुदेव के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसने सांबर वंश के या सपाद लक्ष के चौहान वंश की स्थापना करने का श्रेय वासुदेव को दिया जाता है। तो दिया जाता है भी पहला राजा कहा जाता है कि वासुदेव मिलता है, और वासुदेव के द्वारा 551 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? वासुदेव के द्वारा सांबर के राजवंश की या चौहान राजवंश की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? वासुदेव के द्वारा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, 551 ईस्वी में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की भाई? चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा 551 ईस्वी में की जाती है। कि राजधानी की बात करें कहा जाता है नागौर राज्य, ये सॉरी चौहानों का संस्थापक किसको माने जाते हैं? इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? चौहान राज्य का संस्थापक तो प्यारे दोस्तों कौन हो जाएगा? वासुदेव चौहान राज्य का संस्थापक हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके पश्चात बात करें प्यारे साथियों तो कंडीशन क्या होती है, इसकी जो जानकारियां हमें मिलती है तो क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों? राजधानी जो बनाई जाती है यही छत्रपुर को बनाया जाता है। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी है, इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी किसको बनाई जाती है? राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी किसको? अहिछत्रपुर क्या हुआ करती थी? अहिछत्रपुर इसकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। इसकी वासुदेव चौहान के द्वारा इसकी बनाई जाती है भाई। चौहानों की अपनी कुलदेवी को आशापुरा माता के नाम से जानते थे, और विग्रहराज द्वितीय के द्वारा चौहानों की कुलदेवी का मंदिर का निर्माण करवाया जाता। तो विग्रहराज सेकंड द्वारा चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया ठीक है। इसके द्वारा विग्रहराज द्वितीय के द्वारा कहा जाता है कि चौहानों की कुलदेवी हुई कौन? आशापुरा माता। और आशापुरा माता की जो मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है प्यारे दोस्तों, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद जो शासक बनता है गुअक, कौन बनता है? इसके बाद जो शासक का उल्लेख मिलता है गुअक, कौन सा शासक का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्तों? गुअक शासक में गुअक ये दूसरा शासक बनता है। इसके बारे में जो ज्यादा जानकारी है तो मिलती नहीं है। यह पहला स्वतंत्र चौहान राजा था,
है। चौहान पूर्व में कहा जाता है कि प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन गुवक ने क्या किया, गुवक ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और घोषित करने के पश्चात प्रतिहार राजा नागभट्ट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। क्या बात करें प्यारे दोस्तों, ये पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है। क्या माना जाता है, गुवक चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है। और इसने क्या कर दी थी, जो प्रतिहार शासक था नागभट्ट, नागभट्ट से कहा जाता है कि अपनी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। इस कारण प्रथम राजा किसको माना जाता है, गुवक को माना जाता है। यह चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा माना जाता है। ठीक है, चौहान पहले किसके सामंत हुआ करते थे, प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। चौहान चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे, सामंत सामंत थे, लेकिन गुवक ने पृथ्वी प्रतिहार शासक नागभट्ट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अर्थात अधीनता स्वीकार नहीं की, सीधी सी बात है। ये चौहान जो है किसके सामंत हुआ करते थे, वही प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर जो गुवक है, उसने प्रतिहार शासक नागभट्ट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी थी। इस कारण कहा जाता है कि ये क्या माना जाता है, यहाँ का स्वतंत्र राजा माना जाता है। कहाँ का, वही स्वतंत्र राजा, सांबर का स्वतंत्र राजा किसको माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट राजा की बात करें, इस गुवक के द्वारा एक चीज और ध्यान रखना, इस गुवक के द्वारा ही कहा जाता है कि भैरव मंदिर, जो हर्षनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण इस गुवक के द्वारा ही करवाया गया था। जो हर्ष की पहाड़ी पर कहा जाता है कि जो हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, इसके द्वारा, गुवक के द्वारा ही बनवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चंदन राज, नेक्स्ट राजा की बात करें, चंदन राज, चंदन राज की बात करें तो प्यारे दोस्तों इनके शासनकाल वैसे उल्लेखित नहीं मिलते हैं। चंदन राज की जो पत्नी मानी जाती है वो रुद्राणी या आत्मप्रभा का नाम क्या था, इसकी पत्नी का रुद्राणी या आत्मप्रभा हुआ करता था। ये शिव की बड़ी भक्त हुआ करती थी, किसकी, शिव की बड़ी भक्त हुआ करती थी। तो कहा जाता है कि ये प्रतिदिन या रोजाना कहा जाता है कि 1000 दीपक जलाया करती थी, 1000 दीपक जलाया करती थी पुष्कर झील के तट पर। किसके झील, कौन सी झील पर, लगभग 1000 दीपक जलाया करती थी प्यारे दोस्तों, कौन सी झील पर, पुष्कर झील। किसकी रानी थी ये, चंदन राज की रानी थी आत्मप्रभा या रुद्राणी, क्या नाम था इसका, आत्मप्रभा या रुद्राणी इसकी पत्नी हुआ करती थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसकी रानी की बात करें कि रानी की बात करें, आत्मप्रभा क्या नाम था इसका, आत्म प्रभा, और या इसी को क्या कहते हैं, रुद्राणी, क्या कहते हैं, रुद्राणी। ये प्रतिदिन पुष्कर झील के तट पर, एक हजार दीपक जलाया करती थी, 1000 दीपक जलाया करती थी।
ये शिव भक्त थी भाई, क्या थी ये, यह शिव भक्त थी। यह शिव भक्त थी, कौन सी, किसकी भक्ति करती थी, शिव जी की भक्ति करती थी ये, इसकी इसकी पत्नी चंदन राज की पत्नी रुद्राणी, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि ये शिव की पूजा करती थी, यह योगिक क्रियाओं में निपुण मानी जाती है, ये शिव की भक्त थी, यह शिव की भक्त थी, ठीक है, यह योगिक क्रियाओं में निपुण थी, यह यौगिक क्रियाओं में, क्रियाओं में निपुण थी, इसमें निपुण थी भाई, यौगिक क्रियाओं में निपुण मानी जाती है, किसको माना जाता है प्यारे दोस्तों, इसी को माना जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद बात करें तो कहा जाता है कौन आता है यहां पर जो शासक बन जाता है, चलेगा प्यारे दोस्तों, यहां पर हम जिक्र करते हैं अजय राज, अजय राज, अजय राज, और अजय राज की बात करें प्यारे दोस्तों, अजय राज के द्वारा ही यहां पर अगला शासक जो बनता है, अजय राज की जानकारी हमें प्राप्त होती है, 1105 में ही शासक बन जाता है, और इसी के द्वारा कहा जाता है कि 1105 से 1133 तक, कब तक प्यारे दोस्तों, यहाँ से शासनकाल भी मिलने लग जाते हैं प्यारे दोस्तों, 1105 से 1133 तक ईस्वी तक ये शासन करता है, कौन, अजय राज। अजय राज के बारे में कहा जाता है कि अजमेर नगर की स्थापना करता है, किसकी स्थापना, 1113 में अजमेर नगर को बसाता है, और अजमेर नगर को बसाने के पास साथ साथ प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाता है, इसका निर्माण करवाता है अजय राज, कहा जाता है यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण भी कराने का श्रेय इसी को दिया जाता है, किसको, अजय राज को, यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाता है, अजमेर की स्थापना करता है, और कहा जाता है अपनी रानी सोमलवती, कौन, सोमलवती, या कहा जाता है कि सोमलेखा भी इसका नाम मिलता है प्यारे दोस्तों, इसके लिए कहा जाता है कि इसके नाम पर क्या जारी करवाता है, सिक्के जारी करवाता है, सोमलवती या सोमल देवी के नाम पर क्या सिक्के जारी करवाता है, कौन, अजय राज, अजय राज अजमेर की स्थापना करता है 1113 ईस्वी में, अजमेर को बसाने का श्रेय इसी को दिया जाता है, और कहा जाता है कि इसकी गर्जन मातंगों के हराया था, इसके क्या, इसके द्वारा कई सारे मृतंगों को हराने का कार्य किया गया था भाई, चलिए तो ये दो तीन चीजें हैं, ज्यादा तो ध्यान नहीं रखना इसके बारे में भी, क्या ध्यान रखना है, एक तो अजयराज अजमेर नगर नगर की स्थापना या बसाता है 1113 में, 1113 में ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना इसके द्वारा, और यहीं पर अजमेर में क्या करता है, अजय मेरु दुर्ग का, अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाता है, निर्माण करवाया इसके, और अजमेर दुर्ग को वर्तमान में इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये अजय राज की पत्नी, अजय राज की पत्नी कोमल कोमल देवी या सोमलेखा, क्या नाम मिलता है इसका, सोमल देवी या सोमलेखा, सोम लेखा का नाम सिक्कों पर उल्लेखित करवाता है, सिक्कों पर लिखवाता है, कहां पर लिखवाता है भाई, सिक्कों पर इसका नाम लिखवाया जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों,
आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ, और आगे चौहान शासकों के बारे में, अब आगे कई सारे चौहान शासक आएंगे और उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे आगे, इसके बाद अर्णोराज आएगा, अजयराज का बेटा होता है। चलिए तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए डीजे सर क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।